दोस्तों रिया क्लास में आज फिर से आपका स्वागत है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज आगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो देखिए हमारे पास आता है, हमारे पास सवाल दे रखा है कि एक बाग में 8 केले के वृक्ष हैं और प्रत्येक वृक्ष पर 20 दर्जन 10 केले लगे हैं, तो बताइए कि वृक्षों पर कुल कितने केले लगे हुए हैं। तो देखिए इसका सोल्यूशन करने के लिए हम सबसे पहले हमारे पास इसमें बात आती है दर्जन की और हमसे केलों की संख्या पूछी है, तो दर्जनों में नहीं, वो हमसे खाली केले पूछे हैं उसने कि कितने होंगे। तो सबसे पहली बात है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास की एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पे हमारे पास एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती है, ठीक। दर्जनों की बात आती है जब भी, केलों की बात आई है तो उसमें 12 केले होंगे एक दर्जन में। तो हम चलते हैं या निकालते हैं सबसे पहले एक वृक्ष पर केलों की संख्या। तो एक वृक्ष पर केलों की संख्या बराबर हमारे पास आएगी, देखिए हमारे पास 20 दर्जन है, टोटल 20 ले लिया हमने। अब दर्जनों को हमें संख्या में परिवर्तित करना है तो 12 से गुणा करना है, पहला 10 केले और है उसमें लगे हुए एक्स्ट्रा, तो 10 और उसको जोड़ देंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी गुणा हमारे पास आएगी 240 प्लस 10, इसे जोड़ देंगे हमारे पास आता है 250। यानी एक वृक्ष पे जितने जो केले लगे हुए हैं वो 250 लगे हुए हैं। तो हमसे पूछा है उसने कि 8 केलों के वृक्षों पर, तो हमें 8 वृक्षों पर केलों की संख्या निकालना है। तो यहां लिखेंगे 8 वृक्षों पर केलों की संख्या, केलों की संख्या इस पर भी। तो इसमें क्या करेंगे, 8 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 250 गुणा 8 इसकी गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है यानी कि 25 अट्ठे 200 और 0 ये था ऐसे लगा दिया, यानी हमारे पास 2000 केले निकल के आते हैं। फिर हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हमारे पास दे रखा है, यहाँ क्वेश्चन है हमारे पास, मोहन का विद्यालय 21 मई को ग्रीष्म अवकाश के कारण 52 दिनों के लिए बंद हुआ, तो बताइए कि विद्यालय किस महीने की किस तारीख को खुलेगा। तो हमें यहाँ बताना है कि ये विद्यालय जो है कि किस तारीख को खुलेगा जाके। तो उसके सोल्यूशन के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास जिस महीने में ये छुट्टी पड़ी है उस महीने के दिनों को निकालते हैं। तो 21 मई को ये यानी कि 21 मई से छुट्टी पड़ी थी, तो मई में दिनों की संख्या हमारे पास हो जाती है 10, क्योंकि हमारे पास जो यानी कि मई थी, मई हमारे पास जो होती है वो 31 की होती है, तो हमें यानी कि उसमें से 10 दिन हमारे पास शेष बचते हैं जिसमें छुट्टी है उस मई में हुई थी। फिर हमारे पास आती है यानी कि जून, तो जून में यानी कि कितने दिन होते हैं, वो होते हैं हमारे पास 30 दिन, जून के महीने में 30 दिन होते हैं। तो क्या करेंगे, इन दोनों का हम योग कर लेते हैं, इनको जोड़ लेते हैं, हमारे पास हो गए टोटल 40। यानी कि ये हमारे पास जो दिन निकल के आए वो मई के और जून के निकल के आए। अब देखिए हमारे पास जो अवकाश हुआ था वो कितने दिनों का हुआ था, टोटल 52 दिनों का हुआ था, तो अवकाश के दिनों की संख्या हमारे पास आ जाएगी 52, ये निकल के आती है। फिर हम क्या करेंगे, इस 52 में से जो हमारे पास मई के और जून के दिन थे उनको घटा लेते हैं, तो शेष बचे हुए दिन हम यहाँ निकालेंगे, यानी कि 52 में से 40 कम कर लेते हैं तो हमारे पास 12 बचते हैं। ये 12 जो दिन थे वो हमारे पास जुलाई में चले जाएंगे, तो क्या होगा, ये हमारे पास यानी कि जो विद्यालय खुलेगा 12 जुलाई को विद्यालय खुलेगा जाके। बहुत ही शॉर्ट तरीका है, सिंपल तरीका है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।